Hello, welcome to this video. I am your brother Saka Dynamite. Once again, welcome to all my brother. So, सबसे पहले आप लोगों से अपील है यार, वीडियो पॉज करके अपना ईयरफोन अपनी जेब से निकाल के अपने कान में डाल लो, ध्यान से सुनना, कान में ही डालना है, कहीं और डाल के मजे मत लूटने लगना। अब हम बात करते हैं गाइज जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। यार मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी किंग कहते हो, मैं शांत बैठा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ किसी कॉन्ट्रोवर्सी में, इवन मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है एंड आजकल बहुत दूर हूँ। इवन क्या यूट्यूब, क्या मोमाया, सब मुझे पता चल गया क्या होता है यूट्यूब एंड क्या है ये यूट्यूबर कम्युनिटी, सबके बारे में आइडिया है। तो सबसे पहले अभी बात करूंगा यूट्यूबर कम्युनिटी के कुछ फेक लोगों की और कुछ अच्छे लोगों की, और जो भी है सब धीमे धीमे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज जो अभी मेन टॉपिक चल रहा है, यार मतलब सबको मौका मिला है तो जितना भी सुनना ना, बेंचो बेंचो माचो माचो, मौका मिला है तो नाचो नाचो, जाके सबकी स्ट्रीम पे बोल लो भाई और दो, मजा आ रहा है भाई, ये करो मजा आ रहा है। अबे भाई पता है 18 प्लस हो गए हो, थोड़ा अंदर का कीड़ा जाग गया है गालियां सुनने का, गालियां देने का, तो भाई इतनी भी जरूरत नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि किसी को गाली दो। कोई बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है, ठीक है, आप अभी मैं बोल रहा हूँ टू साइड का ही नाम ले लो, ठीक है, टू साइड गेमर एंड जीजे किंग्स वहां पे गए हैं खेलने, गए आप भी जाओगे, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, नर्वसनेस छोड़ दो, ऊपर से डिवाइस चेंज है भाई। सबसे पहला टॉपिक कि आपकी डिवाइस चेंज है, अगर हमारी डिवाइस से अनइंस्टॉल हो जाता है, हमारी हल्की सी सेटिंग भी चेंज हो जाती ना, तो फटके हाथ में आ जाती है, दो तीन दिन चार दिन क्या एक हफ्ता लग जाता है अपना हाथ दोबारा से बैठाने पे, अपनी सेटिंग दोबारा से लाने पे। मैंने बदला है, मैं जानता हूं तो क्या बीतती है वो भी मेरे को पता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यार, देखो टू साइड गेमर को जो भी उन्होंने किया, ठीक, वहां पे उनकी स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स बेकार थी, बंदे अलग अलग उतर रहे हैं, बंदे वो कर रहे हैं, उस पर आप गालियां दो, आपका गाली देना बनता है। इवन मैं बोलूंगा हाँ आपने गालियां दी, सही किया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो दुनिया बोलेगी, एंड दुनिया बोलेगी तो उनको सुनना भी पड़ेगा क्योंकि वो नहीं कर पाए, अगर वो करके आए होते तो दुनिया चुप होती। चलो ये बात छोड़ देते हैं, उन्होंने जो किया सो किया, भाई बहुत गलत खेले, हाँ बहुत गलत खेले, लेकिन भाई वो पूल खेल लिए तो उसमें गलत क्या है ये बताओ। अगर कोई बंदा कहीं गया है, ठीक है, अगर उसने पूल खेल लिया तो क्या है, ऊपर से जो उनके एक बंदे ने बोला यार, कोई प्रोफेशनल नहीं कि बहुत सूझे हुए अपने एक स्क्रिप्ट राइटर से या एक स्पीच राइटर से एक स्पीच लिखवा के लाएंगे, तब इंटरव्यू देंगे, तब स्पीच देंगे, ताकि आप लोग उसमें से पॉइंट ना पकड़ो। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत घूमने लगे होंगे, यार नर्वसनेस होती है, आप भी जाते हैं शायद, आप भी घूमते, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, आप गए, आपने जहां से भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपको शायद घूमने का मौका नहीं मिला, वो सब बातें अलग हैं। अनूप भाई मेरे बड़े भाई हैं, अभी मैं हर बात एक एक करके क्लियर करूंगा। तो उसके बाद अब बात करते हैं जो हमारे गांड सुजन जी हैं। सबसे पहले यार देखो सिंपल सी बात है मेरी, आप स्ट्रीम पे 11K की वॉचिंग में किसी यूट्यूबर के जिसके 1 मिलियन है उसको गालियां दिए पड़े हो, बेंचो बेंचो माचो माचो, मौका मिला है तो चड्डी उतार के नाचो। अबे भाई तुम्हारा तो यही है, सिंपल सुन लो मेरी बात, अपने वीडियो खुद बनवाते हो नंगे पुंगे अश्लील तोंद के साथ कहीं किसी चीज के साथ, एंड देन वो वीडियो वायरल करवाते हो ताकि मार्केट में बने रहो ट्रेंडिंग में। भाई बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी मार्केटिंग है, बहुत अच्छी स्टैटिक्स है, तुम्हारे पीछे पता नहीं किसका दिमाग है, जिसका भी दिमाग है बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलो ये जो बात हो गई ठीक है, अब इन्होंने जो भी मतलब इन्होंने लाइफ पे गालियां दी, रियल लाइफ में मिलेगा तो मैं मारूंगा गाइस, मैं सच में मारूंगा। अरे भाई तुम मारोगे यार, बंदा हार के आया तो तुम मारोगे, और अभी तुमको उस दिन दो दिन पहले अभी हम लोग जीएसके के सर्वर पे थे, वहां पे आके तुम अपनी बड़बत्ती छोक रहे थे, वो तुम्हारे लोकल एरिया का, उसने बोला कि ज्यादा मत बोल तेरे एरिया में आके तेरे को मारूंगा, तो मुंह बंद हो गया था। वो सब बातें अलग है, चलो वो बातें भी करूंगा, धीमे धीमे करूंगा, अगर अंदर की बातें खुरीदना चाहते हो तो सारी बातें आएंगी। अब हम इसके बाद गाइस जो बात करेंगे वो बात है कि इन्होंने जो भी बोला गालियां दी, उसके बाद में भाई हमारे बोल्ट भाई ने जितना भी बोला था, उसके बाद इन्होंने फिर आए, फिर इन्होंने यूट्यूब पे बोला यार मैं तो स्ट्रीमर हूं और मैं ये सब नहीं करता। जब बोल्ट भाई ने बोला यार इम्युलेटर के सारे टट्टे होते हैं, और सच बताऊं तो सही में भाई इम्युलेटर के सारे टट्टे होते हैं, इम्युलेटर पे गेम बहुत ईजी होता है, हेडशॉट बहुत ईजिली चिपकते हैं, जंप एंड शूट बहुत ईजी है, मैंने खुद खेला है, एक्सपीरियंस लिया, पहले नहीं लिया था तो मैं नहीं बोल सकता था, बट अब मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है तो मैं खुद बोल रहा हूं यार इम्युलेटर पे अगर आप स्ट्रीमर, आपने बोला ना आप स्ट्रीमर हो, तो भाई क्यों यार गेमिंग कम्युनिटी में पढ़ रहे हो, क्यों गेमिंग कम्युनिटी की ऐसी की तैसी करना चाह रहे हो, और क्यों तुम किसी गेमर को कह रहे हो जो मोबाइल से 1 मिलियन पहुंचा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई, तुम पीसी पे खेलते हो ठीक, तुमने पीसी पे खेला, तुम पीसी से आगे बढ़े, तुमने बहुत मेहनत की है, मैं उस चीज को हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेहनत की है, तुमने एक एक बंदे को ऐड करके खेला था निकाला था, बट आज कहाँ गई वो मेहनत, आज कहाँ गया वो प्यार कि तुम एक भी बंदे की चैट नहीं पढ़ते हो, सुपर चैट नहीं पढ़ते हो, क्या हुआ है तुमको, हमको खाली इतना बताओ भाई, जिन बंदों ने तुम्हें सपोर्ट करके तुम्हें ऊपर पहुंचाया तुम उन्हीं की चैट नहीं पढ़ते हो। अब हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले जो भी इधर है अभी ये भी बातें एक साथ में क्लोज करूंगा, फिर आए टोटल गेमिंग पे आते हैं, तो टोटल गेमिंग का नाम भी बोल्ट भाई ने लिया, बट क्या यार
टोटल गेमिंग ने आके कुछ बोला कि यार ये वो फलाना धमाका, या उसने कुछ बोला टू साइड सक्स, उसने हरा दिया, उसने ये कर दिया, अबे तुम कौन होते हो? अगर वो भी तो स्ट्रीमर है, उसने तो साफ बोला कि हाँ भाई मैं बोट हूँ, मैं बोट मारता हूँ, मैं मजे के लिए खेलता हूँ, मजे के लिए आता हूँ, मजे के लिए मजा करके चला जाता हूँ। ये होता है कि स्ट्रीमर आया, अपना काम किया, अपनी ऑडियंस को बहलाया एंड चला गया। स्ट्रीमर ये होता है। एंड एक गेमर क्या होता है, जो एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे, जैसे अगर मोबाइल का गेम है तो मोबाइल पे खेल के अपना एक नाम बनाता है, काम बनाता है, जो कि काफी लोगों ने किया है, जैसे मिस्टर जोक हो गया, राकेश हो गया, हमारा नाइम हो गया, एंड हमारे भाई बहुत लोग हैं जिन्होंने नाम बनाया, एक्शन बोल्ट भाई हो गए, सब हैं जिन्होंने नाम बनाया है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका नाम नहीं जानते हैं लोग, एस के सबीर है, सुदीप सरकार है, इन सब का नाम भी जानते हैं बंदे, और कुछ ऐसे बंदे जो निकल के आ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों, वो भी अभी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, वो होते हैं गेमर। वो एक बंदा किसी और बंदे को कह सकता है, क्योंकि वो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करने जाते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा कि साला ये हार गया, कैसे हार गया। चलो वो बातें छोड़ दो, अब इतनी बातें हो गई टोटल भाई की, हो गई इनकी, हो गई टू साइड की, हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो भी आजकल गरीना फ्री फायर के अंदर चल रहा है, पहली बात तो भाई हमारे एडमिन एंड मॉड्स, भाई एक चुम्मा यार तुम लोगों को है, उड़ता हुआ आ रहा होगा, गाल पे ही लेना, कहीं और मत लेना। भाई सबसे पहली बात, ना आप लोग कुछ फीडबैक हम लोगों से लेते हो, ना वो फीडबैक आगे बढ़ाते हो। ये जो वेरीफाइड प्रोग्राम आया ना, ये भी भाई यूरोप के मॉड की और एडमिन की देन है। हमारे इंडिया के एडमिन तो भाई सजेशन तक नहीं मांगते, वो कुछ करते भी नहीं, अगर उनसे बोल दो खाली बैठे बैठे बस मजा लूटो। अरे भाई अभी तुम लोगों को पता है कि क्या चल रहा है गरीना के अंदर, बंदे डबल रैंक कार्ड जो पुराने पड़े थे क्यों नहीं बोलते भाई डिसेबल कर दो, जिसमें डबल रैंक कार्ड पड़े थे, बंदे ग्लोबल में बैठे हुए हैं डबल रैंक कार्ड यूज कर करके आईडी ढूंढ रहे हैं। भाई किसी के में डबल रैंक कार्ड पड़े हैं, मेरे से इतने रुपए ले लो, मैं आईडी परचेस कर लेता हूं, एंड आईडी परचेस करके वो ग्लोबल पे जा रहे हैं नेम चेंज कर करके। अभी भाई पोपट हो क्या तुम लोग, या तुम लोगों को करना नहीं, या तुम करना नहीं चाहते हो, या दुकान उसी चीज से चल रही। ऊपर से बात करते हैं कि ये जो डॉग टैग वाला सिस्टम आया भाई बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट, मतलब ये कौन सी भसड़ हुई कि पूरे हफ्ते जिस डॉग टैग, मतलब जिस मोड को, जॉम्बी मोड को हम झांकने नहीं जाते, डॉग टैग के लिए हम पूरा दिन फ्राइडे का वही खेलते रहते हैं। एंड इवन जो कोकराझार गिल्ड थी, जो बेस्ट परफॉर्मिंग गिल्ड थी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं देखता आया हूं उस हिसाब से, गरीना फ्री फायर का भाई बहुत पुराना प्लेयर हूं, जिस हिसाब से मैंने देखा है कोकराझार सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग गिल्ड थी, एंड वो गिल्ड का नाम नीचे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जॉम्बी मोड एंड डॉग टैग, ये ट्रिक्स, अबे गेम पूरा ट्रिक्स से भरा हुआ है। ऑटो स्टार्ट, उठो बैठो मार दो, अब हट गया ठीक है, पहले क्या बहाना दे रहे थे भाई, ये गेम का पार्ट है, अब कैसे हटा दिया, अगर गेम का पार्ट था, अगर तुमने गेम में डाला ही था भाई, पूरा गेम ट्रिक्स पे चल रहा है क्या। मेरी देखो ना गरीना से दुश्मनी ना उनसे, वेरीफाइड पार्टनर प्रोग्राम आया बहुत अच्छा आया, मैं तारीफ करता हूँ यूरोप के एडमिन्स एंड मॉड्स की, आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया वेरीफाइड प्रोग्राम लाके, एंड उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए, जो यूट्यूबर्स ग्रो करना चाहते हैं। अभी यार वो सब बातें छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारे बीच में, गुरु जी, अरे धन्य हो प्रभु वाहम ब्रह्माष्टमि, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, भगवान है गुरु जी बीच में बोले हैं। चलो चलो गुरु जी की बात कर लेते हैं। भाई यार ये बताओ, बोल्ट ने बोला टू साइड को, टू साइड था एक गेमर जो परफॉर्म नहीं कर पाया, बोल्ट भी एक गेमर रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं ठीक, उन्होंने बोला उसको, उसने मांगा सॉरी, उसने बनाया वीडियो, तुम कौन होते हो बे, तुम होते कौन हो चैलेंज करने वाले, आज तक कोई टूर्नामेंट खेले हो बे, अरे टूर्नामेंट छोड़ दो, आज तक रैंक खेले हो बे, रैंक खेलते हो, सीजन तुम्हारी आईडी डीएक्टिवेट पड़ी है, बिल्कुल मरी हुई पड़ी है, आईडी में कोई यूनिक है ही नहीं, आईडी में कोई चीज है ही नहीं, कभी ग्रैंड मास्टर जाने की सोचे नहीं हो, हमको तो लग रहा है पिछले दो सीजन हीरोइक भी नहीं गए होगे। भाई वो सब बातें छोड़ दो, अब हम आगे बात करेंगे। तो ये गुरु जी बहुत चैलेंज देते घूम रहे हैं, आज ही हो, जानते हो एक्शन बोल्ट कौन है, जानते हो उसका गेम प्ले क्या है, साले एक फूक मारेगा उड़ के ना, पीक से गिरोगे जाके कहीं स्काई लॉज वगैरह बिल्कुल खोपचे में, जहां कैंपिंग करते हो ना वहीं कैंपिंग करो, बीच पीक में ब्राजीलिया में आने की जरूरत नहीं इन सब जगह पे। तो भाई उनको तो चैलेंज करो ही मत, और अगर इतना ही ज्यादा बूता हो रहा है सबके पिछवाड़े में, आग लगी हुई ना, तो भाई जितने भी बंदे हैं, इवन मैं आपको बता दूं, जब मैं सबसे पहले यूट्यूबर की जंग शुरू किया था, तो भाई एक बंदा था जीएसके वेरीफाइड जो खाली अनबॉक्सिंग करता था, उसने मेरे से बोला मैं क्या करूंगा आके, ठीक है तो मैं तो अनबॉक्सिंग करता हूं, तो मैंने उस बंदे से बोला भाई तू अपने फैंस के लिए, एंड वो आया ठीक, वो बंदा आया, उसने खेला जैसा भी खेला, आज वो बंदा खुद इतना अपने हाथ फोन पे भी सेट कर लिए, इमुलेटर पे भी उसको नॉलेज है, फोन पे भी सेट कर लिए, कि वो खुद कहता है भाई यूट्यूबर्स की जंग ला, यूट्यूबर्स की जंग ला। तो भाई जब उसको यूट्यूबर्स की जंग पड़ी है तो तुम लोगों की क्यों फटती है, अरे फटती है चलो वो चीज़ अलग है, हम देखो भाई सिंपल बोल रहे हैं,
जितना भी चैलेंज दे रहे हो ना, जिसको सोलो का बंदा है, जो टीम के दम पे कूदते हो ना, अपने तीन अच्छे खेलने वाले बंदे जिनको साइड किक बना के रखे हो भाई, उनका भी टैलेंट है, उनको भी आगे बढ़ना है, वो भी बढ़ेंगे, अपनी दम पे बढ़ेंगे या किसी की दम पे बढ़ेंगे, वो उनकी कॉल है, वो उनको कैसे बढ़ना है। सुदीप सरकार ने खुद का नाम कमाया, ठीक, वैसे जिसको इज्जत कमानी होगी वो खुद की दम पे कमाएगा, साइड किक बन के नहीं कमाएगा। अपने स्क्वाड में भर लेते हो, अपने स्क्वाड में दूसरे यूट्यूबर्स के साथ खेलने वाले भर लेते हो, उसके बाद में फिर तुम तोप बनते हो। अरे आओ सोलो का यूट्यूबर्स की जंग का इनविटेशन है, सारे यूट्यूबर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं हैशटैग इन लिख देंगे चैट कमेंट में, एंड हम देखेंगे कौन कौन आना चाहता है, हम कॉन्टैक्ट भी करेंगे आपको, हम रीच भी करेंगे, और यूट्यूबर्स की जंग आएगी, क्योंकि आर तो हमारे दिल से फैमिली में ही है, हम दिल से फैमिली वाले आएंगे, वापस से खेलेंगे, आप भी आइए, आपको भी इनविटेशन है, अगर आपकी फटती नहीं है तो, अगर आप ऐसे ही चैलेंज देते घूमते हैं। और भाई तुम दांत से नाखून खाओ, नाखून से दांत खाओ, चाहे तुम पान खाओ, बट सामने वाले की जान तो मत खाओ, मेरी जान। अरे तुमने यार उस एरो को, मतलब वो कुछ बोल रहा है तो तुम बोलने नहीं दे रहे हो, वो बोलना चाह रहा है तो तुम मुंह पकड़ ले रहे हो। अबे यार वो कमेंट्री के लिए बुलाया था कि तुमको बिग बॉस खेलने के लिए बुलाया था, कि मतलब अपने हिस्से का तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, सामने वाले की बारी आएगी तब भी मैं बोलूंगा। मतलब तुम सीएम बन गए हो, खुद की तो तुम स्पीच दोगे ही दोगे, लेकिन अगर गवर्नर का टाइम आएगा तो उसके हिस्से की भी स्पीच छीन के खा जाओगे एंड देने लगोगे। अबे भाई यार थोड़ा सेंसिबल बनो, कमेंट्री के लिए कहते कमेंट्री करते, कुछ फनी करते, कुछ भी करते यार, वॉचिंग तुमको मेंटेन रखनी थी। मान लिया टीएसजी नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, तुम बाकी की तारीफ करते, तुम टीएसजी की टैक्टिक्स के बारे में बोलते, तुमने बोला ठीक, जो भी बोला वहां की कमेंट्री में, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, मेरे को वहां की किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। तुम लोग गए, तुम लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को चांस मिला, तुम लोगों ने परफॉर्म किया, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप सब अपना अपना टाइम निकाल के गए। बट यार तुम बाकी चीजों के लिए, वीडियोस के लिए छोड़ते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक, एंड तुम भाई घूमने जा रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, वीडियोस लेट हो जाते हैं उसके लिए तुम्हें बच्चे पढ़ाने होते हैं, स्कूल है, टीचर है, गाली बकते हो, साले कैसे टीचर हो तुम, चलो छोड़ो जो भी है, टीचर्स का नाम बदनाम करो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं। अब हम गाइस जो आगे मेन टॉपिक है उस पर वापस आते हैं, तो जो टू साइड गेमर का था कि भाई ये भाई वो भाई इन्होंने नहीं परफॉर्म किया, अब सबसे पहली बात तो ये भाई कि भाई मेन मुद्दा क्या था जो पूरे टॉपिक में मेरे को सुना दिया कि पासपोर्ट नहीं था नहीं तो हम भी जाते। भाई यार ये बताओ, अगर मेरे पास मशीन है, ठीक है, अगर मेरी शादी हो रही है, मेरे पास मशीन है एंड मेरे को प्रोडक्शन करके बच्चा दुनिया में लाना है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसके लिए भगवान ने कुछ रिक्वायरमेंट बनाई है ना कि यार तुम्हारी मशीन से ऑयल होना चाहिए, तभी तुम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ा पाओगे। तो भाई क्या अब उस, अगर तुम्हारी मशीन में जंग लगी हुई है, उसमें ऑयल नहीं है, तो क्या तुम टू साइड गेमर्स वालों को बुलाओगे कि भाई आओ मेरा पासपोर्ट बनवा दो, या मेरी मशीन में ऑयल डलवा दो, या भाई मेरे हिस्से का कर दो? अरे भाई तुम्हारे पास नहीं है रिक्वायरमेंट तो तुम लोग नहीं जा पा रहे हो, जो भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, उनके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल है, जस्ट धोखे की गेम प्ले की वजह से चलता है टू साइड गेमर का चैनल गेम प्ले, क्योंकि उसी का अच्छा है, ठीक, उसका गेम प्ले मैंने भी देखा है, और लेकिन उसकी एज कम है तो वो भी नहीं जा पाया यार। टू साइड गेमर दो बंदों का है, एक बंदा गया क्यों? क्योंकि उसके पास रिक्वायरमेंट थी, ठीक, वो गया, जिसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं गया, तो नहीं गया हो तो भाई जैसे सब शांत बैठे हैं वैसे शांत रहो, नहीं परफॉर्म कर पाए, हो सकता है तुम जाओ या कल को कोई और जाए, अगले टूर्नामेंट में कोई और क्वालिफाई करे, नर्वस हो गए, नहीं खेल पाए, तो क्या सब तुमको गालियां देने लगेंगे? भाई पार्टिसिपेट करना, रिक्वायरमेंट फुलफिल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पासपोर्ट नहीं है तो क्या टू साइड गेमर आएगा सबके घर पे, हेलो भैया हम आए हैं सरकार की तरफ से, क्या आपका पासपोर्ट बन गया? नहीं बन गया, हम बनवा के देते हैं, हमारी बहुत पहुंच है। अबे भाई ऑनलाइन अप्लाई होता, ऑनलाइन अप्लाई करो, फॉर्म बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, क्यों नहीं बनवा रहे, क्यों नहीं फिल करवा रहे? मेरा नहीं फिल हुआ, मैं तो नहीं बोल रहा यार, वो वहां तक गए, उन्होंने खेला, स्ट्रैटेजी गलत थी, टैक्टिक गलत थी, उस पे बोलो, उस पे लथाड़ो, आप गेमर हो, आप लथाड़ सकते हो, आपने रिप्रेजेंट किया, आप करो, बहुत अच्छा अनुप भाई ने किया जो उन्होंने ये बातें रखी, बात रखना बहुत जरूरी है, बट किसी के ऊपर पूरा ब्लेम डालना इस बहुत गलत चीज, पूरा ब्लेम नहीं डालते, एक तो वो वहां से हार गए हैं, निराश हैं, ठीक है, ऊपर से अभी उनको पूरी दुनिया बोलेगी, उनका खुद का 1 मिलियन का, उनकी बेइज्जती नहीं होती क्या, उनको बुरा नहीं लगता क्या? अगर इस बुरा लगने के चक्कर में उसने उल्टा सीधा कर लिया, कौन तुम में से, जितने भी ये रोस्टिंग वीडियो बना रहे हो, कौन तुम में से गारंटी लेगा कि ये उसकी वजह से हुआ है? थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, उसके बाद चीजें करो, किसी को हर्ट करना बहुत गलत चीज है, खुद हर्ट हो गए तो तुमको पूरी दुनिया लगेगी कि दुनिया ने बहुत गलत किया, खुद तुम दुनिया बन के किसी को हर्ट करो तो वो चलता है, सिंपल सी बात है। देखो टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, जिसको जो करना है करो, जिसको बेंचो बेंचो माचो माचो मौका मिला है तो नाचो नाचो, नंगे होके नाचो, चड्डी उतार के नाचो, जैसे नाच सकते हो वैसे नाचो, अपने वीडियो वायरल करवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। और जो स्ट्रीमर होगा ना वो आएगा, स्ट्रीम करेगा, जाएगा, गेमिंग कम्युनिटी के चक्कर में पड़ेगा नहीं, अगर गेमिंग कम्युनिटी में हो तो गेमर हो, फिर ये स्ट्रीमर वाली बकचोदी छोड़ दो,
स्ट्रीम कहां पे करता है, बंदे दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, यहां पे अपने गेम प्ले की वजह से हो। और मैं खुद कह रहा हूं यार, अगर स्ट्रीमर हो ना, अज्जू है स्ट्रीमर, हर कोई स्ट्रीमर है, आता है स्ट्रीम करता है, अपने बंदों की चैट पढ़ता है, सुपर चैट पढ़ता है एंड चला जाता है। व्हाट इज दिस हेडशॉट किंग द गेमिंग लॉयन लॉयन वंस देयर इज अ लॉयन, क्या क्या बकचोदी है बे, देयर इज अ नंगा पुंगा मैन, ये बनाओ ना गाड़ी धोता हुआ नंगा, कुछ ऐसा लिखो, एक वीडियो ऐसा हाइलाइटेड वाला डालो, बहुत अमेजिंग लगेगा भाई, देखने में मजा आएगा, कम से कम बंदे थोड़ा तो हंसेंगे। एक तो कुछ बोलते नहीं लाइव स्ट्रीम पे, खाली गेम प्ले खेलते रहते हो, उसमें भी गला खराब रहता है, मेरे को पता है ज्यादा बोलना होता होगा, बट मैंने तो नहीं देखा लाइव स्ट्रीम पे तुम चैट पढ़ते हो या कुछ करते हो, एटलीस्ट बंदों की चैट पढ़ो। और तुम सब चूती हो क्या भोसड़ी के, गाली निकल गई, सॉरी यार, मतलब जो बंदा तुम्हारी चैट नहीं पढ़ता है, जो बंदा तुमको रिप्लाई नहीं करता, तुम उसकी लाइव चैट पे बैठे रहते हो। अबे कोई और यूट्यूबर भी है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो रिस्पांस देते हैं, एमजे स्नाइपर को ले लो भाई, बंदे ने एक एक चैट पढ़ी, तुम लोग खुद यार उसको वैल्यू नहीं देते हो जो तुमको वैल्यू देता है, ये चीज मैं बोलूंगा, जिस बंदे ने तुम्हारी एक एक चैट पढ़ी तुमने उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। एमजे स्नाइपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी की चैट छोड़ी हो, सबकी चैट पढ़ता था, तुम लोगों ने क्या किया रिटर्न में, उसको छोड़ के भाग गए। जो बंदे चैट नहीं पढ़ते उनके पीछे पड़े थे, प्लीज प्लीज मेरी चैट पढ़ लो, अबे क्या प्लीज मेरी चैट पढ़ लो, साला कभी गिड़गिड़ाते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो मैं ऐड करूंगा मैं खेलूंगा, एंड देन दो दिन बाद अनफ्रेंड करते थे, तुम लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़े हो। और कभी यार अपनी चैट बॉक्स एक बार खोल के देखना भाई, जो लाइव चैट चलती है, आधे बंदे तेरे को गाली देते हैं, तेरे से अच्छे तो जीएसके और बाकी लोग हैं, खाली तभी गाली पड़ी थी जब तुम लोगों ने पीछे से उंगली करी थी, नहीं तो भाई उनकी लाइव चैट पे नॉर्मल चैट चलती है, जीएसके भाई खेल लो, जीएसके भाई ये कर लो, कोई गाली तो नहीं देता है। अबे बंदों की कदर करो, जिन बंदों ने तुमको उठा के बनाया ना, एक मिनट लगता है गिरा देते हैं, डायनमो को देख लो कितनी वॉचिंग चलती थी, कितनी चलने लगी, दो सेकंड लगेंगे गिरा देंगे जिस दिन पोल पट्टी खुलने लगी। तो सबसे पहली बात ये कि जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है आप मत चलो, आप लोग क्या करो, देखो भाई सिंपल सा बोलूंगा, हैशटैग नो प्रॉब्लम लिखना, अगर टीएसजी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदे वहां तक गए यार, कुछ भी हो, बंदे यहाँ पे मरे, क्यों मरे वो भेंडी के, जब खुद जा सकते थे, क्यों वो मरे आके सामने, जितने भी स्क्वाड मेट्स का जिक्र किया गया कि वो सामने आके जानबूझ के मरे, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था, उनकी मशीन में तेल नहीं था, और अगर उनकी मशीन में तेल होता ना, जिसे मोजो बोलते हैं मर्दांगी, ठीक, अगर उनके पास हर चीज होती, रिक्वायरमेंट फुलफिल होती, तो सामने जाके ना मरते। अगर मरे भी हैं तो ठीक है यार, अगर मैं कैरी का फैन हूँ या किसी का भी फैन हूँ, उसकी बकचोदी मुझे पसंद है, और मैंने देखा यार सामने वाले रैंक मैच में या टूर्नामेंट में वो मेरे सामने आया, मैं तो खुशी से जाके लेट जाऊंगा, भाई गोली मार ले, मेरे सिर पे पैर रख के निकल जा, तो भाई वो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो उनका अपना है, निकल गया क्वालिफाई कर गए, वो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने कभी कुछ किया ना तभी ऐसा हुआ ना, वो सब चीजें छोड़ो। और ऊपर से गुरुजी बीच में मत कूदो, बीच में कूदने वाले बहुत हैं लेकिन मुंह बंद करके बैठे हैं, तो मुंह बंद रहने दो सबका, एंड कोई भी अब बोलेगा नहीं, जितना भी था टॉपिक यहीं पे टॉपिक बंद करो। मैंने देखा यार छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं, अबे तुम्हारी यार हस्ती क्या है, 13 साल के खुद नुन्नू छोटा नुन्नू .com से आए हुए हो, ठीक, तुम्हारी हस्ती क्या है जो तुम 1 मिलियन वाले टू साइड गेमर को तुम लोग रोस्ट कर रहे हो, परफॉर्म नहीं कर पाए इस वजह से, तेरा गेम प्ले क्या है भाई, जितने भी ये छोटे छोटे बोल रहे ना जिनका गेमिंग कम्युनिटी से यूट्यूबिंग से कोई लेना देना नहीं है, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो, पिछवाड़ा धोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गंगा मैली हो जाएगी, और जिस दिन गंगा मैली हुई ना उसी में डुबो डुबो के मारूंगा। बाय बाय एवरीवन, बी डायनामाइट, बी बुया, आग लगा दो, शेयर कर देना।